बिहार में रोक के बावजूद भी पॉलिथीन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। बता दें कि बीते वर्ष 1 जुलाई से राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में सभी तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने की घोषणा की थी। उसके बाद कुछ दिन तक इसको लेकर सख्ती दिखी भी और सिंगल यूज प्लास्टिक को बेचने वाले दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया। उस समय तक तो ठीक था, लेकिन अब नहीं। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिबंध लगने के शुरुआती 3-4 महीने में इसका असर भी दिखा और दुकानदार इसका इस्तेमाल कम करने लगे थे। कुछ तो डर से नहीं भी करते थे, या सोचकर कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, कहीं हजारों लाखों का चूना एक साथ ना लग जाए। ग्राहकों को पॉलिथीन देने वाले दुकानदार भी इसे छिपाकर रखते और देते थे। लेकिन ऐसे दुकानदारों को लेकर नगर निगम की कार्रवाई बंद होने के कारण अब फिर से वे पहले की तरह ही बिल्कुल ही बेफिक्र होकर फल और सब्जी वाले पॉलिथीन देने लगे हैं और अब तो दुकानदारों को भी कोई भी डर नहीं है। नगर निगम द्वारा जुर्माना के बजाय अब जागरूकता पर बल दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत नगर निगम की IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन टीम द्वारा दुकानदारों को स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पॉलिथीन के इस्तेमाल के दुष्प्रभाव को बताते हुए इसका इस्तेमाल बंद करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हालांकि इसका असर वैसे तो नहीं दिख पा रहा है जैसे जुर्माना लगने पर दिखता था। आपको पता ही होगा कि पहले नगर निगम के राजस्व कर्मियों की टीम हर दिन अपने क्षेत्र में घूम घूम कर पॉलिथीन का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना करती थी। इससे इसका इस्तेमाल बंद करने या कम करने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ रहा था और अब वैसा असर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। दरअसल पॉलिथीन के फिर से धड़ल्ले से इस्तेमाल होने का एक बड़ा प्रमाण नालियों की उड़ाही के दौरान भी दिख रहा है। बीते 1-1.5 महीने के दौरान पटना शहर के 9 बड़े नालों और 2 दर्जन से अधिक छोटे नालों की उड़ाही के दौरान उसी तरह भारी मात्रा में पॉलिथीन निकला जैसा प्रतिबंधित करने से पहले निकला था। बता दें कि थर्मोकोल की थालियां और प्लास्टिक के गिलास फिर से बिकने लगे। सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल भी फिर से शुरू हो गया जो बीते वर्ष प्रतिबंध लगने के बाद लगभग बंद हो गया था। दरियापुर गोला, मीठापुर, राजा बाजार आदि में इन्हें दुकानों में रखा स्पष्ट देखा जा सकता है। शुरुआती दिशा निर्देशों के बाद बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद भी मामले में सख्ती दिखाने के बजाय बिल्कुल ही खामोश है। उसके द्वारा इस संदर्भ में शुरू में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया था जहां लोग सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने और दुकानदारों की शिकायत कर सकते थे, लेकिन लोगों के कम भागीदारी की वजह से उसका सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों के व्यवहार में अब तक बदलाव नहीं आया है। फल सब्जी जैसी वस्तुएं या छोटे मोटे किराने का सामान खरीदने के बाद आज भी अधिकतर ग्राहक दुकानदार से पॉलिथीन मांगते हैं। ऐसा क्यों? जिसे देखते हुए इसे रखना दुकानदारों की भी मजबूरी बनी हुई है। कपड़े का बना झोला लेकर बाजार जाने का चलन भी जागरूकता के तमाम प्रयासों के बावजूद लोगों में अब तक नहीं आ पाया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप सभी को इस पर पूरी तरह से सोच विचार करना चाहिए ताकि बिहार पूरी तरह से स्वच्छ सुंदर हो।